तीनों को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। 50 एपिसोड होना बहुत बड़ी बात होती है। क्या कहना चाहेंगे शो के रिलेटेड, कॉप्स बेहतरीन कॉप्स से, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? आपसे शुरुआत सर। थैंक यू सो मच। 50 एपिसोड कंप्लीट हुए, पता ही नहीं चला। और जब टाइम इज रिलेटिव ना, जब अच्छी चीज़ हो रही होती है तो पता नहीं चलता, सब निकल जाता है। और इसका मतलब हम अच्छा अच्छा ही कर रहे हैं, आपको अच्छा पसंद कर रहे हैं, उस काम को तो भी आप पूछ रहे हैं कि हम आप लोगों को इतना अच्छा जो कॉन्टेंट आपको चाहिए हम सर्व कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे मैम? काफ़ी आप लोगों की मस्ती हम देख रहे हैं ऑफ सर के साथ काम करके। टाइम कट जाता है हमारा, मतलब आई एम सो ग्लैड, आई एम सो हैप्पी कि ये हमारा तीसरा शो है साथ में, और जो बॉन्डिंग हमारी इस शो करने से पहले से जो बनी हुई है ना, वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है, हमारे काम में भी रिफ्लेक्ट हो रही है। जो कम्फर्ट है हमारे बीच में, वो सीन करने में भी बड़ा हेल्प कर रहा है, तो मज़ा आ रहा है हमें सेट पर। मैम आप बताना चाहिए, आपका भी ये फर्स्ट शो है? सर कॉप्स का रोल करने के लिए कितना कुछ आपने ट्राई किया, मतलब क्या क्या आपने कुछ किया इस कैरेक्टर को लेकर, थोड़ा अगर आप बता सके? कोई प्रिपरेशन नहीं की मैंने, मेरे अंदर था ये, मेरे पिताजी आर्मी में थे, वहाँ से रिटायरमेंट हुई, उसके बाद दिल्ली पुलिस में थे, वहाँ से रिटायरमेंट हुई। मेरे जहन में मैंने फुल बोलते हैं ना कॉस्ट्यूम वर्दी अपने हाथों से प्रेस करना, आयन करना, सुखाना, धोना, करते ही थे। पिताजी को हमने देखा ही है इस तरीके से, सुबह जाते हुए शाम को आते हुए, परेशान, सैड, हैप्पी, हर उसने देखा ही है, कहीं ना कहीं पिताजी का बहुत बड़ा हाथ रहा है, ऐसे प्रिपरेशन कुछ करनी हो। ओके, आप कुछ बताना चाहेंगे, क्योंकि ये जो आपका शो है नाइट में शूट होता है, जो मुझे जानकारी है नाइट शिफ्ट होता है, कितना मुश्किल होता है कि नाइट शिफ्ट शूट करना? नहीं, मैं तो बहुत खुश होती हूँ क्योंकि ट्रैफिक नहीं होता है मुंबई का नाइट शूट में, तो आना जाना इज़ वेरी सॉर्टेड फॉर मी, मुझे बड़ा मज़ा आता है। सुबह सुबह बिल्कुल खाली रस्तों पे, अदरवाइज हमें नहीं मिलता है ऐसा मौका। हाँ, मुंबई में विदाउट ट्रैफिक ट्रैवल करने का, वो भी इतना इधर ये इलाके में। एग्जैक्टली, तो मैं आई एम वेरी हैप्पी कि नाइट शूट होता है, तब मैं बड़ी खुश होती हूँ, और बिकॉज आई एम ए नाइट आउट, मैं जग सकती हूँ रात को, मुझे सुबह उठा नहीं जाता है जल्दी, तो मैं रात को जग सकती हूँ, तो इट इज़ गुड फॉर मी। आप कुछ बताना चाहें? कितना सोचा था रील बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बट साथ में खैर हमारे पूरे 50 एपिसोड में आई थिंक 3 सीन आए हैं साथ में, तो हमें ज़्यादा वक्त नहीं मिल पाता है सेट पर, बट या मैं सबसे ज़्यादा इसी अभिमन्यु के साथ ही शुरू और चंद्रिका के। ओके, भूत बनना कितना मुश्किल काम है, मतलब डराने के लिए? पूछिए हम। नहीं नहीं, लेकिन मैं अगर भूत से कितना डर लगता है, मैं ये पूछ रहा हूँ, कभी हुआ है मतलब आप कुछ बताना चाहे? या नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ है कुछ मेरे साथ, नहीं हुआ है एनीथिंग सुपरनैचुरल, बट सुना है आपने, मतलब ऐसा होते हैं क्या? कहानियां तो सब बुनते हैं, बताते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है मूवीज देखना हॉरर जॉनर की, बट बेस्ट थ्री कौन सी है ओरिजा करके एक है जो बोर्ड गेम के ऊपर है, तो वो जब मैंने देखी थी आई वॉज स्कैर्ड, मतलब मैं सच में बहुत डरी थी। हेरिडेटरी, ओ डू दैट, डोंट टॉक अबाउट इट, हेरिडेटरी नाम की फिल्म, जिसका दिल कमज़ोर है प्लीज़ मत देखिए, हाँ आप नहीं देख सकते वो फिल्म, इतनी डरावनी है, बट हमें मुझे डराने में बड़ा मज़ा आता है। ओके, आखिर में आप अपने फैन से आप क्या कहना चाहेंगे? सो मच, आप लोगों का साथ रहा, आप लोगों का इतना प्यार रहा कि पता ही नहीं चला 50 एपिसोड का पूरे हमें, अभी इतना अगर आपका प्यार बना रहा या बना रहेगा, 500 का पूरे हो जाएंगे, पता ही नहीं चला। सो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस, थैंक यू सो मच फॉर लविंग अस, कीप वॉचिंग द स्लीपर्स की। Thank you. Lovely talking to you always.